सड़क पर भागते हुए किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर UP 62 दिखाई पड़े तो समझ लीजिए यह गाड़ी जौनपुर की है। वही जौनपुर जिसका प्राचीन इतिहास एवं पौराणिक महत्व बनारस के पर्यटकों को 60 किलोमीटर दूर यहाँ आने के लिए विवश कर देता है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर से घिरा जौनपुर जनपद गोमती नदी के किनारे बसा है। प्रतापगढ़ में प्रवाहित सही नदी और सुल्तानपुर से बहने वाली गोमती नदी जौनपुर में आकर आपस में मिल जाती है। भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के साथ ही यहाँ पर अवधी भी बोली जाती है। 4,028 वर्ग किलोमीटर में फैली जौनपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 45 लाख थी, यानी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में से प्रत्येक 44 में से एक आदमी जौनपुर में रहता है, मतलब राज्य की पूरी आबादी का 2.2%। जनपद स्तर पर औसतन हर व्यक्ति के हिस्से में 902 वर्ग मीटर यानी 98 फुट लंबा चौड़ा जमीन का भूभाग आता है। धार्मिक दृष्टिकोण से 100 में से लगभग 63 हिंदू, 33 मुस्लिम और बाकी 4% में ईसाई, जैन, सिख एवं बुद्धिस्ट आदि जात के लोग रहते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ प्रत्येक 1000 लड़कों पर 24 लड़कियाँ अधिक जन्म लेती हैं। ऐसा होना क्या मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण भी है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम के पिता जमदग्न की तपोस्थली एवं परशुराम की जन्मस्थली रही है आज का जौनपुर, जो पौराणिक काल में जमदग्नपुरा के नाम से विख्यात था। मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर को यमनपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय कन्नौज के राजा विजयचंद एवं उनके पुत्र जयचंद का इस पर आधिपत्य रहा। ये वही जयचंद थे जिनकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इस कालखंड में जौनपुर में 2 स्मारकों के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है, मुकुट घाट मंदिर एवं माँ अतला देवी का विशाल मंदिर। सन 1359 में जब यमनपुर फिरोज शाह तुगलक के अधिकार में आया तब इसका नाम उसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खान के नाम पर जौनपुर कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक इस्लाम को मानने वाला एक कट्टर धर्मांध व्यक्ति था। उसने अपने शासनकाल में हर वह निर्णय लिया जिससे इस्लाम को मानने वाले लोग और अधिक सशक्त हो सके। इतिहासविदों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने कालखंड में कई मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जौनपुर में मौजूद अतला देवी मंदिर को अटाला मस्जिद में रूपांतरित कर दिया गया। इसी कारण से इस मस्जिद की संरचना मंदिर के निर्माण शैली से मेल खाती है। जैसे जैसे समय गुजरता गया तुगलक, लोधी एवं मुगलों में हुमायूं एवं अकबर के शासनकाल में अटाला मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक बनकर उभरा। जौनपुर का मुख्य आकर्षण है शाही किला, जिसके विषय में इतिहासकारों के बीच कई तरह के मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मध्यकालीन भारत में गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर कन्नौज के राजाओं ने केरार कोट नामक एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। इसका एक प्रवेश द्वार सैन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था, जो आज भी इस किले के भीतर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यदि आप इस किले के भीतर जाना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क देकर भ्रमण कर सकते हैं। दूसरा द्वार मातला देवी के दर्शनों के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी उस कालखंड में मातला देवी का मंदिर इस किले के भीतर ही था। यदि यह सिद्धांत सही है तो इसके अनुसार केरार कोट किले की पूर्वी दीवार का विस्तार शाही किले के दरवाजे से अटाला मस्जिद के दरवाजे तक 1000 फीट से भी अधिक रहा होगा। इस बारे में कम साक्ष्य होने से पुरातत्ववेत्ताओं एवं इतिहासकारों में आपसी मतभेद अधिक है, लेकिन इस बात के अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि इतने विशाल किले से निकले हुए अनेक पत्थरों से शर्की शासकों ने पूरे जौनपुर में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, झजरी मस्जिद, चारंगुल मस्जिद आदि। इतने पत्थरों के निकाले जाने के बावजूद भी एक विशाल दुर्ग शेष रहा, जिसे आज शाही किले के नाम से जाना जाता है, जिसके निर्माण एवं सुधार का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं उसके सेनापति इब्राहिम बराक को दिया जाता है। पूरे किले का भ्रमण करने के बाद यह अपने आप में काफ़ी अधूरा सा प्रतीत होता है। किले के भीतर एक पुरानी मस्जिद के अलावा चारों तरफ खुला मैदान है, जिसमें रोज सुबह यहाँ के स्थानीय लोग टहलने के लिए आते हैं। इस किले की दीवारों पर खड़े होकर आप पूरे जौनपुर शहर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहीं से आप उस शाही पुल को भी देख सकते हैं जिसका इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। फिरोज शाह तुगलक के बाद शर्की वंश स्वतंत्र रूप से जौनपुर पर राज करता रहा, लेकिन 15वीं शताब्दी में लोधी शासकों का साम्राज्य यहां स्थापित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 1495 के आसपास सिकंदर लोधी ने कई मस्जिदों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। आगे जाकर जब मुगलों का यहाँ पर अधिकार हुआ तब मस्जिदों से निकले हुए पत्थरों को बादशाह अकबर ने उपयोग में लाते हुए सन 1564 में शाही पुल का निर्माण करवाया। यह पुल अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है।
जिसकी खूबसूरती, कलात्मकता एवं निर्माण कार्य की वैज्ञानिक कुशलता आपको यह सोचने पर विवश कर देती है कि उस जमाने में इस पुल को बनाने में कितना अधिक परिश्रम किया गया होगा। गोमती नदी के बढ़ते उतरते जल प्रवाह में काल से टकराता हुआ आज भी यह पुल जौनपुर के इतिहास को स्वयं में समेटे अड़िग खड़ा है। जौनपुर जंक्शन से पूरब की ओर 3 किलोमीटर दूर चौकीपुर नामक स्थान पर स्थित है देवी शीतला का प्राचीन मंदिर, जिसे लोग चौकिया धाम के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर इतना लोकप्रिय है कि हर रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आसपास के जिलों से आते हैं। यहाँ बच्चों का मुंडन, जनेऊ संस्कार एवं विवाह भी संपन्न होता है। मनौती के अनुरूप कढ़ाई करके लपसी और सोहारी देवी को अर्पित किया जाता है। सोमवार एवं शुक्रवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भक्तों का विशाल जनसमूह टूट पड़ता है। किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए पुलिस व प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में 2 जातियां, यादव एवं भर, ऐसी थी जिन्होंने कुल देवी के रूप में माता शीतला के कई मंदिरों की स्थापना की। यह मंदिर उनमें से एक है। कालांतर में जौनपुर के कुछ भूभागों पर यादवों एवं भरों का भी आधिपत्य रहा था, अतः मंदिर के साथ तालाब की संरचना को देखते हुए ये उनमें से ही किसी एक का कार्य हो सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या कारण है कि जौनपुर में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक जन्म लेती हैं। जौनपुर की मूली का आकार पूरी दुनिया में मशहूर है। डॉक्टर सेटल्स के सिद्धांत के अनुसार सफेद मूली का अधिक सेवन करने से शरीर में अम्लीयता का संचार होता है, जिसके कारण औरतों में गर्भ धारण करते समय लड़की होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इस घटना के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक कारण को और अधिक गहराई और विवरण के साथ समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भविष्य का हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़। धन्यवाद।